हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अपने लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किसी के भी मोबाइल का डेटा, उसका कॉल रजिस्टर, उसका एसएमएस, उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक या व्हाट्सएप, इन सब का डिटेल हम अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। यानी स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी के फोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के छोड़ देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, और जब कभी भी हम चाहते हैं हम अपने पीसी से, अपने मोबाइल फोन से उस मोबाइल की पूरी ट्रैकिंग कर लेते हैं, उसका सारा कॉल रजिस्टर चेक कर लेते हैं, सारे कॉन्टेक्ट चेक कर लेते हैं। अब इसका रिवर्स आप सोचिए कि सपोज दैट कि आपके मोबाइल फोन में अगर किसी ने स्पाई ह्यूमन या इस तरह का कोई स्पाईवेयर डाल दिया है, तब तो वो आपकी जासूसी कर रहा है। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारे सेलफोन में क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन की जासूसी कर रहा है, जो हमारे सारे रिकॉर्ड को ट्रैक कर रहा है, चेक कर रहा है, हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, हमारा कॉल रजिस्टर चेक कर रहा है, हमारी इमेज गैलरी को चेक कर रहा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम खुद कैसे चेक करें कि हमारे फोन में कोई स्पाईवेयर यानी हमारे फोन में जासूसी करने वाला कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है लाइक स्पाई ह्यूमन। तो आज के सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपके फोन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या नहीं है, और उसे आप कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं भी आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं कि कैसे मैं अपने फोन में पहले स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, ये देखिए, मैंने अपना फोन का ब्राउजर ओपन किया। यहाँ पे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्पाई ह्यूमन की वेबसाइट ओपन किया, ये साइट ओपन किया। अभी सबसे पहले मैं अपने ही फोन में दिखा रहा हूँ कि मैं अपने ही फोन में स्पाई ह्यूमन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नो डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पर, और ये मैं अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर लूंगा। डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर हमारे फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, देखिए एक वार्निंग हमें देगा, यहाँ पर रुक गया, ये वार्निंग हमें देगा क्योंकि हमारा जो खुद का ओएस है, देखिए यहाँ पर इसका नाम वाईफाई है। ओके, सबसे मजे की बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पर कोई पुराना वीडियो देखते हो इसे इंस्टॉल करने का या अनइंस्टॉल करने का, तो अनइंस्टॉल में उसका जो नाम दिखाते हैं सेफ गार्ड या सिक्योरिटी, इस तरीके से करके, अब नाम बदल गया है। यानी टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। तो आज के डेट में अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहोगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ये मैंने डन किया, अब देखिए मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वाईफाई नाम का आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना स्क्रीन पर हमारे, ये देखिए, ये जो वाईफाई नाम का आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको दिखने में क्या लग रहा है कि कोई सिस्टम एप्लीकेशन होगा, वाईफाई से संबंधित होगा? रियल में यही हमारा स्पाई ह्यूमन वाला सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे वाईफाई नाम से आपको दिख रहा है। और पहले जब इंस्टॉल करते थे तो इसका नाम कुछ और हो जाता था। यानी जो भी स्पाईवेयर प्रोग्राम है, या तो उनका नाम ऐसा होता है कि आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर है, या कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो जो आपको लगता है ये तो गेम है, ये म्यूजिक प्लेयर है, लेकिन वो भी आपकी जासूसी करते रहते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने स्पाई ह्यूमन की वेबसाइट ओपन की और फिर मैंने उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। अब ये वाईफाई नाम का एप्लीकेशन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है हमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर से हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उस एप्लीकेशन का नाम हमारा होगा हिडन ऐप डिटेक्टर, और ये वाला देखिए, एंटी स्पाई एंड स्पाईवेयर स्कैनर। इसकी रैंक थोड़ा अच्छी है, 4.7 स्टार रेटिंग इसकी है। तो मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंटी स्पाई एंड स्पाईवेयर, लोगो आप पहचान लीजिए। अब देखिए, इंस्टॉल करके जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, मैं आपको फिर से नाम दिखा दे रहा हूँ और लोगो भी आप देख लीजिए कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है एंटी स्पाई एंड स्पाईवेयर स्कैनर, इसकी स्टार रेटिंग जो है 4.7 है और 2.9 MB का ही है। इस पर टैप करता हूँ मैं प्ले स्टोर पे जाके, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसे ओपन कर लूंगा, ओपन कर लिया।
ओपन किया जाए। अब देखिए चेक कर रहा है हमारे फोन में कि कोई स्पाईवेयर, पहले इसको एग्रीमेंट को हमें यस करना पड़ेगा, दोनों बॉक्स पे हमें चेक करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वाले बॉक्स पे, देन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए स्क्रीन एक वार्निंग इसने दिखाया है, और ये थ्रेट्स का मतलब होता है जो प्रॉब्लम वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो स्पाईवेयर है, वायरस टाइप के सॉफ्टवेयर। अभी ये हमारे फोन को पहले सर्फेसली चेक कर रहा है थोड़ा सा, जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा ये नेक्स्ट मैसेज हमें प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा वेट करिए आप, देखिए अब ये मोबाइल में हमारे जो एक एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए थ्रेड्स में क्या दिखा रहा है, अभी एक यानी एक प्रोग्राम इसको मिल गया है जो थ्रेड्स है यानी स्पाईवेयर है। तीन प्रोग्राम मिल चुके हैं इसे, यानी हमारे फोन में इस समय तीन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमारे फोन की जासूसी कर रहे हैं, चार हो गए। सबसे खास बात यह है कि जो एप्लीकेशन है ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनका नाम बदलता रहता है जो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स है। तो अगर कोई पुराना लॉजिक आप लगाते हो तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने लेटेस्ट एप्लीकेशन यूज किया है। स्पाईवेयर जो डिटेक्टर हमारा है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये अभी प्रॉपर वर्क करेगा। नए स्पाईवेयर पे अगर आप पुराने एप्लीकेशन सर्च करो तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे फोन में कितने एप्लीकेशन है, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर चलता हूँ, ये हमारा वाईफाई वाला जो है ना दिखा रहा, देखिए वन बाई वन। ऑडिफाई म्यूजिक प्लेयर है, वीवो क्लाउड है, थीम्स है जिससे आप मोबाइल का थीम चेंज करते हो, फोटो मूवी है एप्लीकेशन, माई जियो ऐप है, और वाईफाई। ये जो वाईफाई वाला ऐप आपको दिख रहा है ना, यही एक्चुअल में हमारा है स्पाई ह्यूमन। पहले इसका नाम कुछ और रहता था, अगर आप पुरानी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे कि स्पाई ह्यूमन को कैसे डिलीट करें, तब वहां पर दूसरा नाम दिखाता था, लेकिन अभी ये क्या है, ये वाईफाई नाम से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो अब देखिए इतने ऐप्स हमारे सिस्टम में हैं, आप देखिए ऑडिफाई म्यूजिक प्लेयर जो मैंने म्यूजिक फाइल यानी MP3 फाइल प्ले करने के लिए डाउनलोड किया था, वीवो क्लाउड वीवो का साथ ही रहता है, थीम्स मोबाइल का थीम, फोटो मूवी फोटो वगैरह मिला के मूवी क्रिएट करने का एक एप्लीकेशन है, और जो जियो का ऐप है, जियो को भी ये दिखा रहा है क्या स्पाईवेयर, क्योंकि जियो भी हमारे फोन गैलरी को, इमेज गैलरी को, कॉल रजिस्टर को, सबको ये एक्सेस करने की परमिशन हमसे ले लेता है, तो इसलिए जियो भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक बात जो बहुत समझने वाली है कि जो एप्लीकेशन में बिल्कुल लीगल लगता है, जैसे जियो एस बाई लीगल एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो भी हमारे फोन की जासूसी कर रहा है, यानी हमारी गैलरी तक, हमारे कॉल रजिस्टर तक, हमारे SMS तक, सब जगह उसकी एक्सेस है जो जियो ऐप आपका है। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है वाईफाई, यही दरअसल हमारा स्पाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर है जो हमने इंस्टॉल किया है, तो इस सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया। अगर यहाँ पर नीचे जो डिलीट ऑल बटन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारे एप्लीकेशन हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में, आप अपने मोबाइल फोन में कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपके फोन में जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी का यूज करके हम कैसे रिमूव करेंगे। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं ना, आप देखिए प्ले स्टोर पे आप दोबारा चलिए, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा मेनू में देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे फोन में ये वाईफाई नाम का एप्लीकेशन है, अभी शो हो रहा है, जूम और एंटी स्पाई के बीच में दिखा रहा है। अभी मैं चलता हूँ अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पे चलता हूँ, और प्ले स्टोर में मुझे सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग करनी है बस। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर सेटिंग पे आना है, इसे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्ले स्टोर में, ये तीन लाइनें बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आना है प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन पर। कहाँ आना है, प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन पर, ये हमने ऑन करना है। देखिए जैसे आप प्ले प्रोटेक्ट पर आते हो, उसने खुद ही सर्च कर लिया कि एक वाईफाई नाम का एप्लीकेशन है जो क्या है स्पाईवेयर है, क्या है स्पाईवेयर। तो आपको तत्काल कुछ नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन भी नहीं इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ अपने प्ले स्टोर पे आना है, उसके सेटिंग पे जाना है, और ये जो आपका प्ले प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन है उसको ऑन करके रखना है, इनेबल करके रखना है। देखिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, हम चलते हैं यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देते हैं प्ले प्रोटेक्ट में जाके। कभी भी अगर आप चाहते हो, ये रिमूव कर दिए हमने, क्या कर दिए, देखिए ये चीज आपकी सेटिंग है।
आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए। आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है प्ले प्रोटेक्ट, इसको आपको ऑन करके रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वो खुद ही आपको वार्निंग दे देगा कि ये स्पाईवेयर है। तो प्ले प्रोटेक्ट पे मैं गया, इसने दिखा दिया कि वाईफाई नाम का एप्लीकेशन क्या हार्मफुल है, यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे है ये, अब यहाँ से मैंने अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। अब जब दोबारा आप आओगे अपने मोबाइल के मेनू पर, तो वो एप्लीकेशन वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए, इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है, ये प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग है, ये भी ऑन रखना है और ये भी ऑन रखना है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, वो वहीं पर आपको वार्निंग मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन था, तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ से वो रिमूव हो चुका है, कौन सा, वाईफाई। तो एक तो मैंने आपको एंटी स्पाईवेयर एप्लीकेशन का यूज करके बताया कैसे आप सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप प्ले स्टोर में जाइए, उसकी सेटिंग में जाइए, और वहां पे आप क्या कर दीजिए, प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन को ऑन करके रखिए। तो अगर आपका कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो भी गया है स्पाईवेयर, तो आपका जो प्ले स्टोर है वो उसको खुद ही डिलीट करके क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी जो हमारा एंटी स्पाईवेयर है वो दिखा रहा था कि हमारा जो जियो है वो भी क्या है, स्पाईवेयर है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं जो हमें लगता है हमारे काम के हैं, लेकिन रियल में हमारे फोन की जासूसी करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फोन की जासूसी करेंगे, और आज मैंने आपको बताया कि आप खुद को कैसे सेफ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।